नौकरी मिलेगी ना हमको। तो 25 साल की उम्र में आदमी नौकरी वोकरी के लिए निकल पड़ता है, एक दो साल बाद उसे छोकरी मिल जाती है और ये एक ऐसा टाइम होता है बेहतरीन टाइम उसकी लाइफ का, ये उसको पता भी नहीं चलता तू कब 35 साल का हो जाए, गोल्डन एरा बोलता हूं मैं, क्योंकि अभी शादी हुई है नई नई, अभी एंजॉय करेगा इधर हनीमून ये वो, कब वो एक दो से तीन हो गया, तीन से चार हो गया पता नहीं चलता, अब हुआ वो 35 साल की उम्र में। अब जरा देखिए इसकी उम्र में 25 साल में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, क्या अपॉर्चुनिटीज थी, सबसे पहले थी ये नया था, आज एक नौकरी छूटती थी तो फट से इसको दूसरी मिल जाती थी, दूसरी छूटती थी तो फट से तीसरी। अच्छा ये लर्निंग एटीट्यूड में था, जो मर्जी इसको सिखा दो ये सीखने को तैयार था, जो मर्जी बड़े से बड़ा चैलेंज दे दो इसको ये उसे करने को तैयार था, बड़े बड़े हर टारगेट को अचीव कर सकता था, हाँ कि ना, कोई इसमें ईगो भी नहीं थी, इसको जो मर्जी कह दो यस सर कोई दिक्कत नहीं है, और ये टाइम में ग्रो करना शुरू करता है, करते करते अब ये 35 साल की उम्र का हो गया, बच्चे आ गए हैं, जिम्मेदारियां हो गई है, अब इसकी लाइफ में चैलेंजेस आना शुरू हो गए। आफ्टर 35 अब क्या हो रहा है कि ये ग्रो होते होते एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है, कॉम्प्लेक्सेस कैसे आने शुरू होते हैं कि अब इसको जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर अब वो थोड़ी कम हो गई है, जिस लेवल का ये बंदा हो गया उस लेवल की नौकरी बाजार में कम हो गई है। दूसरा कॉम्पिटिबिलिटी इश्यू अब इसकी लाइफ में आना शुरू हो गया, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है और ये बंदा हो गया है पुराना, 25 की उम्र में बहुत जल्दी अपग्रेड करता था अपने आप को, यूं नई टेक्नोलॉजी यूं सब कुछ नया सीख लेता था, 35 से 40 की उम्र में अब इसका दिमाग उतनी तेज नहीं चलता है, और इसी दौरान कुछ हेल्थ इश्यूज भी अब इसकी लाइफ में आना शुरू हो गए, अब होना शुरू होता है गेम, क्योंकि असली में अब मजा आना शुरू होगा कि अब इसको कंपटीशन किसको देना है, उन्हीं 25 साल वालों को जिसने जब जैसा इसने कभी किसी के साथ किया था, इसने किसी की नौकरी खा ली थी, क्योंकि जो जॉब आपको मिली है उस पर पहले कोई और था, उसको कंपटीशन दे करके बीट करके आपने नौकरी खाई, अब तैयार है इसकी नौकरी को खाने के लिए, अब इसको अपनी जॉब बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सब अंदर कमरे की बात है, क्योंकि अब ये फंस गया है। हुआ क्या ऐसा है, क्योंकि जो गोल्डन एज थी ना उस वक्त ही आराम से लाइफ एंजॉय कर रहा था। मुझे सोनू जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, शुरू से सोनू जी ने हम लोगों को ये बात बोली है कि हम अपनी जवानी गला रहे हैं अपना बुढ़ापा बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप गोल्डन एरा में सो जाएंगे तो फिर जिंदगी भर पछताएंगे। ये बात मुझे नौकरी के बारे में दिखाई दे गई, मुझे पता लग गया यार ना तो बिजनेस से कुछ हो पा रहा है, ना जॉब से कुछ हो पा रहा है, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ है, ये कहां है लाइफ। और दोस्तों तब जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग मिली, कहते हैं ना आप उन लोगों को ढूंढो जो पहले से प्यासे हैं, और मैं सच बात बता दूं मैं तो बहुत प्यासा था साहब पहले से, मैं तो इंतजार कर रहा था कोई फरिश्ता मेरी लाइफ में आए तो सही जो हमें कुछ जीना सिखा सके, और वो फरिश्ता एक दिन आ गया साहब। चाय का भुगतान मैं अभी तक भुगत रहा हूं, सोचता था एक आध बार फौरन घूमाऊं, दोस्तों मतलब नेशनल्स ने और सर के ब्लेसिंग्स ने घूमने में इतना हालत खराब किया कि आज की डेट में घूमते घूमते करीब मैं 6 बार थाईलैंड होकर गया हूँ, हांगकांग हम लोग होकर गए, हाँ सर स्टार क्रूज पे थे, और करीब 10-12 मंजिल पानी का जहाज, और रॉयल एकदम बेहतरीन नेपाल हम लोग होकर गए, दुबई होकर गए, इसके अलावा रशिया हम लोग होकर गए हैं, और बहुत सारे ट्रिप्स करीब 15-16 बार हम लोग यहाँ से बाहर गए हैं, बहुत अच्छा रहा, रिस्पेक्ट वाइज बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब जैसे सर ने कल बताया छोड़ दीजिए पीछे क्या था, नई शुरुआत करते हैं। तो पिछले एक महीने में मैंने करीब 15 फ्रंटलाइन डाली है जो लास्ट टीम के अलावा, और नेक्स्ट